आओ बेटे। मैं नहीं आऊंगी डैडी, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। क्या हुआ बेटी? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल बदल देंगे, अभी 2 महीने ही तो बाकी हैं। आ जाओ, तुम डरो मत, मैं रेगुलर आता रहूंगा। मुझे नहीं जाना डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? पर क्यों बेटी, तुम तो यहाँ डेली आती हो ना। बात क्या है बताओगी तब तो समझूंगा ना। टीचर्स मारते हैं क्या? बच्चों ने कुछ कहा? फिर क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ। वो है तुम्हारी प्रॉब्लम, क्या किया है उसने? श्रुति, तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूं, बताओ वो क्या है। क्या है वो? श्रुति को बटरफ्लाई बहुत पसंद है, इसलिए। पसंद है तो क्या, तू ला कर देगा? ये वसवाराज की प्रॉपर्टी है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, कहीं भी जाना हो तो सिर्फ तुम मेरे साथ ही जाओगी। मेरी परमिशन के बिना कोई लड़का तो क्या, तू भी फॉलो करेगा तो मसल दूंगा। Wish you happy होली श्रुति, तुम मेरे साथ रहोगी तो ऐसे रहोगी, वरना ऐसे रहोगी। नहीं। तुझे बताता हूं, लाखों रुपए फीस लेते हैं आप और ये सिखा रहे हैं आप बच्चों को? नो डिसिप्लिन, नो प्रिंसिपल। एक्सक्यूज मी सर, आखिर हुआ क्या है? इसकी उम्र कितनी है? जस्ट 14 इयर्स। मेरी बेटी के पीछे पड़कर हैरास कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है उसे। मेरी बेटी कार के नीचे उतरने से भी डरती है, स्कूल के अंदर आने में भी डर से कांप रही है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। श्रुति ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों वसवाराज, ये जो कह रहे हैं वो सच है? देखा, देखा आपने इसको? जरा रुकिए सर, अपनी गलती मानो और उनसे माफी मांगो। ऐसे चुप क्यों खड़े हो, बोलो। ये एक डिसिप्लिन स्कूल है, उनकी बेटी से सॉरी बोलो, नहीं तो तुम्हें ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। सॉरी बोलो। उल्टा जवाब दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर इसने भी मना किया तो इसे भी नहीं छोड़ूंगा। कौन है आप? मेरा नाम जयराज भट्ट है, एक्स मिनिस्टर हूँ, और वो लड़का मेरा पोता है। तो मैं क्या करूँ? उसके माँ बाप नहीं है, उसे बचपन से मैंने ही पाला है। लोगों की जान लेना सिखाया उसे? क्या गलत क्या सही है ये जानने की उसकी उम्र नहीं है। पुलिस वालों को और स्कूल के स्टाफ को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ,
लेकिन सबूत तो आप ही हैं। शट अप! ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? इतने दिनों तक उसके अंदर क्रिमिनल मेंटेलिटी आप डाल रहे हैं। वो बाहर रहेगा तो लड़कियों के ऊपर ऐसे फेंकेगा, गला काटेगा। ऐसे जानवर को तो पिंजरे में रहना चाहिए, जनता के बीच में नहीं। इसे जाने को कहो। ए, जाओ। सर, एक मिनट। प्लीज, प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। प्लीज जाइए, प्लीज, प्लीज जाइए यहाँ से। वसवा नाम के इस आरोपी को ये अदालत आईपीसी सेक्शन 302 के तहत 14 साल की सजा सुनाती है। उसके माइनर स्टेज के पूरा होने तक उसे जुवेनाइल होम में रखा जाए, उसके बाद उसे आम कैदियों के साथ जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। श्रुते, सिर्फ 14 साल। आई वेलकम बैक। यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे दादाजी बहुत सीरियस हैं, देखना चाहते हैं तुम्हें आईसीयू की तरह। वो लड़का भाग गया। ए, 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 पकड़ो इसे। ए, कहाँ भाग रहा? ए, सुनो। भाभी जी, मैं पुजारी जी के पास से आ रहा हूँ। उन्होंने ये ताबीज दिया है इसे बांधने के लिए। ताबीज क्यों लाए हो? बच्ची ठीक तो है ना? वो नींद में भी डर जाती है जी। ओहो, क्या बेटी तुम भी। उसे चार दीवारी के अंदर रखा हुआ है और तुम हम सबके बीच में हो, और वो किसी भी हालत में तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता है। डोंट वरी, ओके ना? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? जेल में भी रहूंगा तब भी श्रुति ही मेरे दिमाग में रहेगी। बकवास बंद कर। इसे छोड़ कैसे दिया तुम सबने? हाँ, तेरे दादा मर रहे हैं और तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बुढ़ा तो कभी भी मर सकता है, मगर इस वसवाराज को जीना है। श्रुति, मैं लौट कर आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। चल रे, चल, चल। मेरी प्यारी बेटी अभी नादान है। मेरी बेटी श्रीदेवी को धोखा देकर भगा कर ले गया है। इस फोटो में रहने वाला इंसान को जो भी पकड़ कर लाएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। हमारे साथ रह के, हमारे साथ घूम के, हमें बिना बताए उस लड़की को लेके चला गया। कैसा इंसान है ये? अरे इसे अगर हम पकड़वा देंगे तो हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। चलो। अबे कौन हो तुम? पिछले जन्म में राक्षस थे क्या? उस पोस्टर वाले को तुम जानते हो क्या? भगवान बहुत चालाक है भाई, आंखों के सामने मिठाई रख के शुगर की बीमारी दे देते हैं। तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझा ही नहीं कुछ। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी भाई। हमें उसे 1 लाख रुपया देना है, उसका जब तक इंतजाम नहीं कर लेते उसके सामने नहीं जा सकते। वो हमें बहुत टॉर्चर करता है। देखो, वो लाख रुपया मैं दूंगा, लेकिन वो जहाँ भी दिखेगा मुझे बताना। तब तक तुम इसे वहां देखो। एक फ्रेंड फैमिली पर्सन की तरह होता है, और तू ऐसे फ्रेंड को धोखा देगा? 1000 रुपए के नोट को नहीं, तुम जैसे फ्रेंड्स को बैन करना चाहिए। हमारे बड़े भाई की बेटी को भगाकर यहाँ आकर तुम पतंग उड़ा रहे हो? हाँ, सिर्फ पतंग ही नहीं, मैं कुछ भी उड़ा सकता हूँ। Show me,
इसे संभालना। भाई कहाँ हो भाई? भाई भाई अर्जेंट में 5 लाख और ऊपर से 1 लाख जल्दी से उसे दे देंगे तो आपकी बेटी फटाक से अपने घर में आ जाएगी। ए, एक तो मैं पहले ही टेंशन में हूँ, क्या ये 1 लाख और 5 लाख लगा रखी है? और वैसे तुम लोग हो कौन? मेरी बेटी को भगा कर ले गया है, उसे वापस लाने वाले को 5 लाख देंगे ऐसा पोस्टर लगाया है ना आपने? कितनी मेहनत करके मैं उसे पकड़कर यहाँ तक लाया हूँ, अगर आप मुझे पैसे दे देंगे तो मैं उसे आपके सामने ले आऊंगा। मतलब हमें पूजा करने की जरूरत नहीं है? क्यों, तू समझे नहीं क्या? जा जल्दी पैसे लेके आ जा। जजमान मैंने जो कहा था सब तैयार हो गया, राहु काल शुरू होने वाला है, पूजा करनी है। सुनो पंडित जी, ये पूजा पाठ बंद करो, आपकी पूजा करने से पहले मैंने बड़े भाई का काम कर दिया है। ये कैसे? घोर आश्चर्य, एक ही रात में बच्चा कैसे पैदा हो गया? नाटक कर रहा है? अभी कहाँ से बच्चा पैदा होगा, उनकी बड़ी बेटी को कोई भगा कर ले गया? अरे जजमान आपको गलतफहमी हुई है, वो जो लड़का आया था इनकी बीवी को बेटी समझकर यहाँ से भगा कर ले गया होगा, इनका कोई बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है? माते पूजा पाठ वाली जगह पर रक्तपात करना शुभ नहीं है, ऐसा मत कीजिए। दरवाजा बंद कर। मेरी छोटी बेटी को बेहोशी की दवा सुना कर ये उसे भगा कर ले गया है, इसे पकड़ कर लाने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। देवेंद्र गौड़ा। भाई उसे देख रहे हो? वो जानता होगा उसे। आजा। भाई जरा साइड दो ना, एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। 5 लाख का काम है ना? हाउ हाउ? तू उसे दिखाएगा तो तुझे बैंकॉक का टिकट दूंगा, वहाँ के मसाज से तुझे नशा चढ़ जाएगा, नहीं तो एक ही रास्ता है, सिंपली तुझे मार डालूंगा। जब भगवान कुछ देता है ना तो तुम जैसे को ऑफर करता है, चुपचाप ले लेना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए डिमांड नहीं करने का। अब टिकट का मैं क्या करूंगा भाई? कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सकता है क्या? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कभी कोयले की गाड़ी को देखा तूने? बिल्कुल वैसा दिखता तू, तुझसे लड़की कैसे पड़ गई बे? लड़की को? मैंने? वो गौड़ा भाई को जानता है ना, उसकी बेटी को जो भगा कर ले गया ना, 5 लाख रुपए मिलेंगे जो उसे पकड़ कर लाएगा, और उस कटआउट में तेरी तस्वीर लगी है। पागल कहीं का, इस बार मेरा पोस्टर लगाया उसने। क्या मतलब है रे तेरा? खुद का पोस्टर लगाकर इनसे 1 लाख रुपए ले लिए, इनका पोस्टर लगाकर तेरे से कितना लिया? 2 लाख। इस बार तुम्हारा पोस्टर लगने वाला है। मेरा? लगता है इसे भी चढ़ गई है, रोड पे ही सो गया। नाइट टाइम है ना, इसका आइडिया भी सो गया होगा। कैसी बातें करता है तू? अरे बाप रे, मर गया। ए भाई, ए भाई, साइलेंस। ये लाइब्रेरी नहीं है, गवर्नमेंट की रोड है। पुलिस आ जाएगी। चल 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 उठ जा। अरे उठ जा रे भाई। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर 80 किलोमीटर की स्पीड से एक लाल स्कूटी जा रही है और उसके हाथ में व्हाइट कलर की वॉच है और उसने कान में बहुत ही अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई है। भाई 80 किलोमीटर की स्पीड में जाने वाली लड़की को इतनी डिटेल से देखे हो तो तुम्हारी दृष्टि मामूली नहीं है, दिव्य दृष्टि है। हाँ यार, तू मामूली आदमी नहीं है, महाज्ञानी है। ज्ञानी वानी कुछ नहीं, अभी वो लड़की मेरा एक्सीडेंट करके चली गई। भैया जरा जल्दी चलिए, एग्जाम का टाइम हो रहा है। एग्जाम इस उम्र में भाभी जी? अब क्या बताऊं भैया, मेरे पति MSc और मैं SSc, मिनिमम BA का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो PA कैसे बनोगी, फिर बेबी होने का क्या फायदा, ये कहकर हर रोज मुझसे झगड़ा करते हैं। भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे ऑटो में चढ़िए ना आप, दिन बदल जाएंगे आपके, बिना एग्जाम दिए सर्टिफिकेट दिलाने की गारंटी मेरी है भाभी जी। ऐसे काम में ये लोग नंबर 1 है भाभी जी। भैया काम हो जाएगा ना,
भाभी जी मेरी बात मानिए, सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। ये देखिए, ये फोटो देखिए, इसमें जितने लोग हैं ना, आपके और मेरे जैसे लोग हैं। बहुत लोगों को सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, गोल्ड मेडल तक दिलवा दिया इन लोगों ने। हाँ। हाँ। लेकिन ओरिजिनल ही होगा ना भैया? यहाँ का सर्टिफिकेट और ओरिजिनल दोनों एक साथ रख कर देखिए, ओरिजिनल ही डुप्लीकेट लगेगा। एक बात बताऊँ, मुझे लाइसेंस भी इन लोगों ने दिया है भाभी जी। एक सर्टिफिकेट चाहिए। अरे एक सर्टिफिकेट की क्या बात कर रहा है, 10 बना के दूंगा। लाओ इसे मुझे दे दो और तुम जाकर सामान ले आओ, जल्दी करना। हाँ, बैजाक में आंध्रा यूनिवर्सिटी, गंटूर में नागार्जुन यूनिवर्सिटी, तिरुपति में वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, इतनी यूनिवर्सिटी रहने के बाद भी आपको आपके पति दूसरे यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, मुझे तो आपके पति पे शक हो रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पति तो राम जी जैसे हैं। पकड़े जाने के पहले सभी राम है भाभी जी। देखिए, हम जाली सर्टिफिकेट बनाते हैं और धोखेबाज पति को भी पकड़ते हैं। आपके पति श्री राम जी जैसे हैं, अगर ऐसा आप प्रूफ कर सकती हैं तो आपके लिए सर्टिफिकेट फ्री। ये लीजिए, फोन कीजिए, आपका ही फोन है। क्यों भाभी जी, अभी तक फोन नहीं उठाया ना, लगता है काम में बिजी है। हा? अश्विनी, जब भी मैं तुम्हें हग करता हूँ तो मेरे हार्ट में वाइब्रेशन क्यों शुरू हो जाता है? ये हार्ट का वाइब्रेशन नहीं है, फोन का वाइब्रेशन है। ओ, अच्छा। अरे बाप रे बाप। शामू, इस टाइम पर कैसे फोन किया जानू? तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई क्या? मैं तो वहीं पर हूँ, लेकिन आप कहाँ हैं? अरे मैं कहाँ रहूँगा, तुम्हें पता है ना, मैं तो घर पर ही हूँ शामू। भाई साहब, वो तो घर पर ही। भाभी, मेरे सिक्स सेंस के हिसाब से वो गलत बोल रहे हैं। अगर वो घर में है तो पूजा वाले घर में घंटी बजाने के लिए बोलिए। घंटी? वो भी इस टाइम पे घंटी? कोई इस टाइम पे भगवान की घंटी नहीं बजाता है। कुछ नहीं जी, मैं एग्जाम लिखने से पहले भगवान की पूजा करना भूल गई। अच्छा, घंटी ना, मैं अभी बजाता हूँ, पूजा के कमरे में जाता हूँ। शामू, सुनाई दी ना घंटी? हाँ हाँ, देखा, वो अभी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे पति घंटी बजा रहे हैं ना, उन्हें एक बार फ्रिज ऑन करने के लिए बोलो। अबे तो चुप कर, भाभी यहाँ आइए, फ्रिज से आवाज नहीं आती, मिक्सर ऑन करने को बोलिए। सुनिए जी, बुरा मत मानिएगा, एक बार मिक्सर ऑन करके सुनाइए। अरे क्या बोल रही हो, परीक्षा देने तुम गई हो और तुम यहाँ पे मेरी परीक्षा ले रही हो। शामू, अगर तुमने कोई और सवाल किया तो देख लेना, मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम दोनों की बात सुनूंगी तो मेरा संसार डूब जाएगा। भाभी जी, घंटी जेब में रख सकते हैं, मिक्सर को बैग में रख सकते हैं, अब बस आखिरी बार घर की कॉलिंग बेल बजाने के लिए बोलिए। अगर ये सच हो गया तो सर्टिफिकेट फ्री में मिल जाएगा। तुमने फिर से फोन किया शामू, इस बार घंटी बजाकर मिक्सर ऑन करूं या मिक्सर ऑन करके घंटी बजाऊं? नहीं नहीं, आखिरी बार मेरे खातिर आप अपने घर की कॉलिंग बेल बजाइए ना। क्या कॉलिंग बेल? अरे सुनो भाई, यहाँ पर कोई कॉलिंग बेल है क्या? बाहर में कॉलिंग बेल कहाँ से? अरे तो मेरी बीवी से क्या कहूंगा मैं, कह दीजिएगा बिजली नहीं। श्यामला, यहाँ पर बिजली गई हुई है जानू, अब तुम ही बताओ बेल कैसे बजेगी। पावर नहीं है कह रहे हैं। पावर के बिना मिक्सर कैसे ऑन हो गया? सोच क्या रही है भाभी जी, अड़ोस पड़ोस में फोन करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। श्यामला जी, बोलिए ना, क्या बात है? हेलो बहन जी, आप क्या कर रही हैं? टीवी पर राम गोपाल वर्मा का इंटरव्यू देख रही हूँ। मेरी बीवी गांव चली गई, मेरी बीवी गांव चली गई, मेरी बीवी गांव चली गई। अरे ये सीन तो इनके पति में फिट बैठता है। भाभी जी, आपका काम हो जाएगा, पहले बीए का सर्टिफिकेट ले जाओ, फिर डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट ले जाना। मिल गया मिल गया, कांग्रेट्स यार। पहले बात क्या बता, उस लड़की का घर है ना बहुत बड़ा है, उसके घर के बाहर बड़ी बड़ी लग्जरी कार है, उस घर में सब कुछ खेल सकते हैं। तब तो उसके लिए 8x16 नहीं 20x40 डालना होगा। कहाँ है बे, कहाँ है बे मेरा कटआउट, पोस्टर लगाना है, वेयर इज द कटआउट? आ जाएगी यार, थोड़ा सब्र रखना, कोई रेवती या सरस्वती को भेजेगी। वो दोनों कौन है बे, हम दोनों के लिए सेट किया है क्या? तुम दोनों के लिए सेट नहीं किया यार, नक्षत्रों के नाम है, ऊपर आसमान में रहते हैं ना, उनकी वजह से सब काम हो जाएगा।
वही तो है ना अपना कट आउट। चलो चलो चलते हैं। सुनो पहले बच्चे को दूध पिला लो फिर काम करो ना। माल नहीं मिलेगा तो मिस्त्री चिल्लाएगा। पहले ये सब छोड़ो और बच्चे को दूध पिलाओ। चाय उसे रखा। गुड मॉर्निंग मैडम। अच्छा सुनो तुम बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी टाइम नहीं देते हो क्या? बच्चा लाना अलाउड नहीं है मैडम। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि बच्चे को घर पर छोड़कर आया करो। बच्चे को सिर्फ उसकी माँ ही दूध पिला सकती है। पहले तुम बच्चे को दूध पिला लो फिर काम कर लेना ठीक है? ये कहाँ गया? ए, वहाँ क्यों खड़ा? वहाँ क्या कर रहा है? ए, आगे बढ़ना, यहाँ पर क्यों खड़ा हो गया? बोला था उस लड़की का पोस्टर लगाएगा और खुद ही पोस्टर बन गया। पोस्टर लग गया यार। कहाँ यार? अरे कहाँ है? यहाँ पर लग गया पोस्टर। अबे वो लड़की क्लास है और तू मास है, तुम दोनों का लिंक कैसे सेट होगा? हो ही नहीं सकता। अरे यार बोल। लड़कियाँ तीन पोस्टर से पटती हैं। पहला सिनेमा हीरो के पोस्टर से, दूसरा बैट उठाकर मारने वाले क्रिकेट स्टार के पोस्टर से, और तीसरा मोस्ट वांटेड हम जैसे कमीनों के पोस्टर से। अब तो बस अपने को ही सेट करना है। कैसे सेट करेगा? आज से यही लड़की बनेगी मेरी मोस्ट वांटेड पोस्टर। कौन है तुम लोग? AP09L143 स्कूटी तुम्हारी है ना? मेरी है पर क्यों? चलो पुलिस स्टेशन चलो। आप लोग मस्ती करने वाले पुलिस हो ना? नहीं हम हमेशा दुखी रहने वाले हैं। यस या आप लोग क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ चलो सब समझ में आ जाएगा। चलो चलो चलो। देखो उसका क्या हाल हो गया है। आहा पक्षियों की आवाज कितनी मधुर है, पानी के ध्वनि में भी क्या राग है, ये दुनिया भी कितनी सुंदर है, ब्रह्मांड की भी एक सुगंध है। क्या कह रहा है ये? और ऐसी पागलों की जैसी बात क्यों कर रहा है? कौन है ये? तुम्हें याद नहीं है क्या? ए बताइए। रात को आपने एक्सीडेंट किया था, उसी का असर अभी तक इस पर है। एक्सीडेंट? कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ उसके बगल से गई थी। जब तुम उसके बगल से गई फिर पीछे से किसी ने उसे धक्का मारा, फिर हम लोग उसे उठा के लाए हॉस्पिटल से। उसकी याददाश्त चली गई है। याददाश्त चली गई? याददाश्त तो पूरी तरह चली गई। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो ये कभी नहीं सुना। अपने रियल कैरेक्टर को भूल के हर घंटे अलग अलग गेटअप लेता है, समझ में नहीं आता क्या हो गया इसे। महामंत्री महामंत्री। अभी वो मंत्री कौन है? और कौन है? तू ही है। मैं महामंत्री। महामंत्री आज्ञा दीजिए महाराज। कहाँ है फटाफट भागने वाला मेरा अश्व? कहाँ है? खाली पेट उसके पेट में गैस बन गया था इसलिए वो घास खाने गया है। मेरा अश्व घास खाने गया है? इस तलवार से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पकड़ लिया। मुझे देख के हंस रहा है तू? महाराज महाराज मेरी बात सुनिए, आपके गुस्से को ठंडा करने के लिए महाकवि तेनाली रामकृष्ण को हाजिर करता हूँ, आपको चलेगा ना? चलेगा चलेगा। वो कौन है? और कौन है? तुम ही हो ना? मैं तो बदल गया। लेट क्यों कर रहे हो? जाओ ना। महाप्रभु को मेरा प्रणाम। मेरा क्रोध ठंडा होने के लिए एक कविता सुनाओ, जिसे सुनते ही अंदर ठंडक महसूस होनी चाहिए। जान बचानी तो जल्दी गा। सुनाता हूँ प्रभु। चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। ये तो गया काम से। तेनाली जी। अबे वो ओवर एक्टिंग की दुकान, लगता है तेरा दिमाग चला गया है। पागल हो गए हो या फिर दिमाग खराब है? मैं तुम दोनों के लिए मैं टुकड़े कर दूंगा। रुक जाओ। आहा कौन है ये कांता जो आकाश के तारों की तरह चमचमा रही है? महाराज ऐसे हाथ लगाइएगा तो सुकुमारी को दाग लग जाएगा। महाराज ये सुकुमारी सामंत राजी की पुत्री है, नाम है मित्रविंदा। क्या नाम बताया तुमने? मित्रविंदा आपके राज्य में भ्रमण करने के लिए आई हुई है महाराज। सच में युवरानी? या कितनी देर हुई आपको आके? तेनाली आधा घंटा हुआ प्रभु। अतिथियों को इतनी देर इंतजार करवाया तुमने? तुमको तो
ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है। महाप्रभु क्या हुआ बे? हाँ, जू में एक हाथी ने 4 बच्चे पैदा किए। सच में? हाँ, और तुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया है। हे भगवान, अच्छा हुआ जल्दी होश में आए। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ये क्या अवतार है? और ये लड़की कौन? अपनी चैरिटी के बारे में जान के हमें अप्रिसिएट करने के लिए आई है। कवर करो, कवर करो। या, you were really great. Congratulations. Thank you so much. ज़्यादा हिलाओ मत, बेचारी थक जाएगी, छोड़ दो। Okay. Bye. Bye. अबे हट बे। Bye. 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 सुनिए। बोलिए। अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रख लीजिए। कोई अच्छा सा हॉस्पिटल देखकर ट्रीटमेंट करवा। काम नहीं, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाऊंगा। आप जाइए प्लीज। महाराज, अपना प्लान काम कर गया। ड्रिंक का टाइम हो चुका है। आ रहा हूँ। यार, पोस्टर लगाने से अच्छा लड़कियों को ट्रैप करना ज्यादा आसान है। मस्त वर्कआउट हुआ है। मेरे प्यार को तू पैसों से तोल रहा है। कैंसर होगा, तुम दोनों को मरोगे। कैंसर वैंसर का डर नहीं है, हमें डर लगता है तू तलवार लेकर काट ना दे हमें। अरे, तू प्यार के लिए चाहे जितना नाटक कर। हाँ। पैसों के लिए हम हमेशा मार खाने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अब तो वो लड़की मेरे ही बारे में सोचती होगी। क्या हुआ श्रुति, आज तुमने 1 पॉइंट भी स्कोर नहीं किया। एनी प्रॉब्लम? कल एक आदमी को मेरी स्कूटी से धक्का लग गया था। उसका हाथ पैर टूट गया क्या? ऐसा हुआ होता तो हॉस्पिटल में ले जाकर ट्रीटमेंट करवा देती। तो फिर आखिर हुआ क्या? उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। तो क्या उसकी याददाश्त चली गई? नहीं डैडी, हर घंटे वो अलग अलग कैरेक्टर बन जाता है। कब कौन सा कैरेक्टर बन जाए उसके दोस्त भी नहीं समझ पा रहे। सुनने में तो शॉकिंग लग रहा है। मैं भी पहले आपके ही जैसे शॉक्ड हो गई थी, पर आंखों से देखने के बाद मुझे यकीन हुआ। टेंशन मत लो बेटी। क्या बात है जावेद? आपको परसों स्विट्जरलैंड कोर्ट में पहुंचना है, इसलिए आपको आज ही निकलना पड़ेगा। वो देखो आ गई। मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या हुआ? अंदर क्या चल रहा है पता है तुम्हें? क्या चल रहा है? हम नहीं बता सकते, खुद ही आकर देख लीजिए। आइए। कितनी दूर जाना है? एक स्टेप और ऊपर जाके देखो। अनार, अनार, ओ अनार, तुम कहाँ हो अनार? अनार का मतलब डालिम होता है ना, तो उसे दिलवा दो ना। क्या बोल रही हो? डालिम वालिम की बात नहीं कर रहा है वो, ऐसी बात नहीं है बेबी। अभी वो मुगलों के काल में चला गया है, सलीम अनारकली वाले काल में। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ही तो उसके अनारकली। मैं? एक बार देखो तो सही। मेरी जाने मन, मेरे दिल का टुकड़ा, कहाँ है तू? सलीम। अनार सलीम, अनार सलीम, अनार सलीम, अनार सलीम, अनार अनार। एक बार गले क्या लग गया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या करूं, क्या करूं? मुझे छोड़कर कहां चली गई थी अनार? उड़ो उड़ो कौवा उड़ो। अनार, तुम मुझे इस तरह छोड़कर कहां चली गई थी? मैं बस आपसे बहुत दूर जाना चाहती थी, जहां बना। तो हमने किए हुए सारे वादे, लिखी हुई कहानियां, तुम सब कुछ भूल गई अनार? अबे ये क्या बातें कर रहा है? 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 बिल्कुल गलत बात है। ये दुनिया वाले हमें एक नहीं होने देंगे जहाँ बना। सारी दुनिया भले ही सुनामी में डूब जाए, तो भी हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता अनार। कर सकता है जहाँ बना। कौन? और कौन? आपके अब्बू जान अकबर महाराज। जिल्ले इलाही सृष्टिकर्ता, मुगल साम्राज्य के अधिपति, सलीम के पिता और उसके बच्चे के दादा अकबर महाराज इस गार्डन में दफन हो गए, पधार रहे हैं। मेरे बारे में ही बोल रहा था क्या तू? बादशाह सलामत, पधारिए। बस करो अपनी ये नौटंकी शहजादे, मैंने तुम्हें घोड़ों की सवारी, तलवार की शिक्षा, ये सब सीखने के लिए भेजा था, और तुम यहाँ इस माली की लड़की के साथ प्यार की नौटंकी कर रहे हो। हम यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं,
हम दोनों प्रेमी हैं। अपनी बकवास बंद करो सलीम बेटा, अगर तुम उसे इतना ही पसंद करते हो तो एक आध हफ्ता अपने पास रख लो, बाकी उसे जाने दो। बात आई समझ में? बेवकूफ, मेरे सामने जुबान चला रहा है। ए सेनापति, इसे कारागार में बंदी बना दो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर तुम्हें मेरे हाथों से मार खानी पड़ेगी। बेटा दब्बू, बेटा दब्बू। बच्चे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें एक होने देना चाहिए, और आप भगा रहे हो। रुक जाइए, इधर आ। नहीं, जिसके अकबर बादशाह को ठोकर मारी। अबे शॉर्टकट इस तरफ है, इधर से चलो। चलो चलो चलो, अनार अनार अनार। जब देखो आगे चिपक जाता है, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। चलो भागो। चलो सलीम, हम कहाँ जा रहे हैं? सलीम दुश्मन से बहुत दूर, यहाँ तक भागेगा। शॉर्टकट में तू मुझे मिल, फिर बताता हूँ। इतनी अर्जेंटली यहाँ बुला लिया, कुछ कहना चाहती हो? एक्चुअली इस हॉस्पिटल में मेरी पहचान के एक फेमस साइकाइट्रिस्ट है, अगर तुम उनसे एक बार मिल लोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ए, ये क्या बोल रही है? लेकिन इसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, कुछ सच्चाई छुपाएगा तो अच्छी बात है। अबे, उसे एक दे तो। एक पेशेंट को अपनी बीमारी डॉक्टर से नहीं छिपानी चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। ये नहीं लगता, इसका ही दिमाग खराब है। चलो बीटेक पढ़ने के लिए बहुत डोनेशन भरने के बाद अब 6 महीने में मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसा बोलकर घर में ही बैठा हुआ है। Am I right? सही कह रहे हैं, आपको कैसे पता? जिंग जिंग, इट्स अमेजिंग। आप बुक्स पढ़ते हैं? हाँ। मैं ब्रेन पढ़ता हूँ। नर्सेस, इसे रूम में लेकर जाओ। रूम में ले जाएं? बेड में ले जाकर सुला दो। ओ, ऐसा क्या? इसे क्या हो गया है? अरे चुप ना, क्या करे? कुछ नहीं होगा, चल बे। हाय बेटी, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुमने जो बताया था वो कलाकार? ओ बैठो। क्यों भाई, तुम्हारी याददाश्त चली गई ये बताकर इस कलरफुल फिगर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो? प्यार हो गया? जिंग जिंग, इट्स अमेजिंग। ओ, अपनी गलती मान लो। नहीं माना तो? नर्सेस, डॉक्टर ये लीजिए। डॉक्टर, तुम करोगी? जब मैं ऑपरेशन करता हूँ तो कोई आवाज नहीं करता और नहीं देखता है। नर्सेस, इन लोगों को बाहर लेकर जाओ। चलिए मैम, चलिए आप चलिए, जल्दी चलिए। मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं देखूं क्या? तुझे देखना है? हाँ डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। ठीक है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी मुझे अच्छी लगी। ऑपरेशन आज ही से, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर, मैं देखता हूँ। कौन हो तुम? बाहुबली। काटरवली हो तुम? हमारे माहेश्मती साम्राज्य में आकर गलत गलत दवाई देकर हमारे मासूम जनता की जान लेना चाहता है तू कटप्पा? आज्ञा महाराज। ये कटप्पा है, बस इतना सा रह गया। माहेश्मती साम्राज्य को दाग लग चुका है जो इसके रक्त से धुलना चाहिए। रुको यार, मामला क्या है ये तो बताओ। हमें एक फेवर चाहिए। फेवर करना क्या है बताओ। डॉक्टर, इज एवरीथिंग ओके? मैंने हार्ड डिस्क क्लीन कर दिया है। फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? फिर से प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास लेकर बिल्कुल मत आना, ठीक है? जा, लेकर जाओ। नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर। चलो हाँ। चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम आगे चलो, डॉक्टर को एक बार और मैं थैंक यू बोल के आता हूँ। ओके चलो। डॉक्टर, तुम
भीग जाओगी, इसलिए ये। बहुत पहले रिलीज हो जाते, लेकिन तुम गलती पे गलती किए जा रहे हो। आगे से ऐसी गलती मत करना। चाहिए यहाँ पर एक शिव कृष्णा नाम के, वो लोग तो बहुत पहले यहाँ से घर बेचकर चले गए। इस वक्त नहीं, जब मैं और श्रुति साथ में आएंगे तब करना। कैसी हो, सिर्फ सपनों में ही आओगी या फिर हकीकत में भी दिखोगी? ए, हमारा खर्चा होगा, उसे तकलीफ होगी, इसके अलावा हाथ में कुछ नहीं आने वाला। एक दिन पागल होकर वो खुद ही मर जाएगा, देख लेना, यही होने वाला है। जाओ तुम लोग। छोटे भैया तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। सही कह रहा तू, श्रुति मुझे नहीं मिलेगी, मुझे तो मरना ही है। देखिए उसने आपकी बात दिल पर ले ली है, अपनी जान देने जा रहा है वो। छोटे ऐसा मत करो, रुको। ए, खींच ऊपर। सिंदप्पा, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मौत तुम्हें मिली और श्रुति मुझे मिलेगी। केला साहब, इस लड़के को बहुत घमंड हो गया है, इसे एक हफ्ते तक जेल में भूखा रखेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। जी सर। चल चल, मैं लौट कर आऊंगा। चल। तुम्हारा घर संसार सुखी रहे, आशीर्वाद ले लो बेटी, संभाल कर जाना बेटी। ठीक है, पहुंचते ही फोन कर देना। बैठो, चलते हैं।
श्रुति, तुम्हारी शादी हो गई क्या? कौन है तू? नरसप्पा, मैं जानता हूँ तूने इसकी परवरिश की है, लेकिन शादी करवाने का हक तुझे किसने दिया? तुझे नहीं पता मैं आऊंगा? आखिर कौन हो तुम? वसवराज पाटिल। वसवराज? श्रुति, मंगलसूत्र निकाल दो। बेटा मेरी बात सुनो, ये श्रुति नहीं है, मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है। तो फिर श्रुति कहाँ है? वो अपने चाचा के पास है बेटा। वो कौन है? श्री कृष्ण हेगड़े का भाई, जय कृष्ण हेगड़े है। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में श्रुति के पिताजी मर गए और उसी दुख में श्रुति की माँ भी मर गई। श्री कृष्ण हेगड़े की आखिरी बात। छोटे। हाँ भैया। मेरी बेटी के पास बहुत दौलत है, पर इसके गले में एक तलवार भी है। उसका नाम है वसवराज। बच्चे के साथ मैं हूं ना भैया। बच्ची को लेकर कहीं दूर चले जाऊं, उसे मेरी बेटी का पता नहीं चलना चाहिए। गांव बदल दो, मेरी बेटी का नाम बदल दो, तुम इसकी जिंदगी ही बदल दो। अभी श्रुति के चाचा कहां पर हैं? उस दिन के बाद आज तक मैं श्रुति से कभी नहीं मिला। अरे ये क्या कर रहे हो? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। वो लोग हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। वन सेकेंड सर। नरसप्पा जी कैसे हैं आप? आपने अचानक फोन। वो वसवराज जेल से छूटकर हमारी श्रुति को ढूंढते हुए हमारे घर पर आया था भाई। मेरी भांजी के पति को मारने की कोशिश की तो मैं डर कर सब कुछ उसे बता दिया। बेटी कहाँ थी तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वसवराज जेल से छूटते ही नरसप्पा जी के पास गया था, वो तुम्हें ढूंढने के लिए हैदराबाद आ रहा है। तुम तुरंत वैजाग चली जाओ, वहां मेरा फ्रेंड विश्वनाथ है, वो सब कुछ संभाल लेगा। उसकी डिटेल्स भेजता हूँ मैं। ओके डैडी। चल जाओ।
अच्छा सुनो, जब तक मैं फोन न करूं कोई यहाँ नहीं आना। जाओ 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 जाओ। ठीक है। देखो पीछे कोई रास्ता है क्या? ए, उस तरफ नहीं, इस तरफ। भाई वैजाग के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, गोदावरी एक्सप्रेस ने टिकट बुक किया है, आप रेलवे स्टेशन आ जाइए। अरे यार, शनि ग्रह तुझे अपना समझ रहा है, इसीलिए शुक्र तेरे आसपास नहीं आ रहा है। ये भी तो हो सकता है, राहु के तूने टांगड़ा दिया हो। ए, ए आद्या का फोन है। हेलो आद्या। तेरी गर्लफ्रेंड तो देखने में ही नहीं बल्कि नाम से भी बहुत मस्त है। ए, कौन है बे तू? मलेश यादव की बेटी को तू भगा कर ले गया था ना, तू मेरी आवाज नहीं पहचान रहा है क्या? ओ तू, हाँ इस बार सच में उठाकर लाया हूँ तेरी लवर को, अब लगा ले पोस्टर। hey, तू गलत समझ रहा है, वो मेरी कोई लवर नहीं है। आधे घंटे में कैश मेरे हाथ में होना चाहिए नहीं तो तेरी लवर नहीं सिर्फ उसकी पोस्टर ही दिखेगी। सिर्फ उसे उठाकर लाया उसके लिए नहीं, तूने उसके साथ जो मजे किए उसके लिए भी। क्या हुआ यार? आद्या को मेरी लवर समझ के भिक्षापति ने किडनैप किया है, पैसे मांग रहा है। तेरे जाने से लड़की को पता चल जाएगा कि पोस्टर लगाने वाले हम ही लोग हैं। सच बात है यार, वो लड़की खुद पैसे वाली है, पैसे देकर खुद चली जाएगी। वो सिर्फ पैसे वाली लड़की होती तो मैं तेरी बात मान के छोड़ देता, लेकिन उसका दिल भी बहुत अच्छा है। ऐसी लड़की को मुश्किल में छोड़ देना सही नहीं है। मेरे पास से लिए हुए 1,00,000 और मुझे बेवकूफ बनाने के 2,00,000 और मेरे 2,00,000 पूरे 4,00,000। अबे नालायक कहीं का, खाली हाथ ही लाते चला आया, पैसे कहाँ है बे? तेरे मेरे बीच में जो लफड़ा है वो बाद में आराम से बैठ के क्लियर करेंगे, सबसे पहले तू जिसे पकड़ के लाया उसे छोड़ दे। चलो आओ मेरे साथ। अरे आओ, अरे चलो ना। ये क्या चल रहा है भाई? सोचते रहो। ए, खाली पोस्टर लगाना नहीं, उसे अच्छे से फाड़ना भी जानता हूँ। क्या है? क्या है? क्या है? हाँ? बोलना क्या है? अब तेरा क्या है? बोल। जल्दी से रेलवे स्टेशन चलो। ए, जल्दी चलो रे। चलो चलो चलो। Wow.
गया, जल्दी पीछा कर चल। ए! यही कार है, जल्दी चलाओ, ओवरटेक करो जल्दी। गाड़ी क्यों रोकी तूने? क्यों रोकी? बोल सर, क्यों रोकी? सर, वो बोल, निकल गए वो। ट्रेन चली गई तो श्रुति जिंदगी से चली जाएगी। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने प्यार से मिल पाऊंगा। थैंक्स अ लॉट। टिकट प्लीज। एक्सक्यूज मी, श्रुति नाम की लड़की का सीट नंबर बताएंगे? कोच नंबर S7, बर्थ नंबर 47। थैंक यू। हे, तुम श्रुति हो ना? हाँ मैं ही हूँ। मैं हूँ वसवाराज। वसवाराज? कर्नाटका, बेंगलुरु पब्लिक स्कूल, बटरफ्लाइज, कुछ याद नहीं आया? मैंने तुम्हारे लिए 14 साल जेल की सजा काटी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? सम कंफ्यूजन, मैं बचपन से कभी बेंगलुरु नहीं गई। अरे 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 आजा मेरा सोना, आजा आजा आजा। इसे पढ़कर जिसे शौक लगेगा वही होगी मेरी श्रुति। Oh!
क्या हुआ बेटी? चेन क्यों खींच रही है? अरे वो लड़की चेन पुलिंग करके भाग रही है। ट्रेन में से सडनली उतर कर क्यों भागी? ट्रेन में वो था। कौन वो? वसवाराज। वसवाराज? ये कौन है? वो एक सनकी है। मैं उसी ट्रेन से जा रही हूँ, पता नहीं उसे कैसे पता चला, और वो भी उसी ट्रेन में चढ़ गया। मिरर पर मेरी फोटो बनाकर आई एम बैक लिख दिया। जब भी उसे देखती हूँ पता नहीं मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अब वो कैसा दिखता है तुम जानती हो? नहीं जानती। तुम कैसे दिखती हो वो जानता है? मुझे तो नहीं लगता। ओके, तो फिर टेंशन किस बात का? तुम्हें सेफली वैजाग पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। अरे 10 दिन छोड़ो, 1 महीने भी मेरे घर के आगे रुकोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। पहले मेरा कर्जा चुकाओ, उसके बाद तुम्हें जाल मिलेगा। अब भाई तुम कौन हो? कार लेके सीधा मेरे घर के अंदर ही घुस रहे हो? ये कोई सिनेमा हॉल है या शॉपिंग मॉल है? मामा, आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या बोल रहे हो? अरे मैं पहले ही बहुत कंफ्यूजन में हूँ, तुम बीच में और डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हो? वसवाराज, वसवाराज पाटिल। मतलब बेंगलुरु? जयराज पाटिल का पोता? अरे रे 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 बसवा, तू तो रिश्तेदार हमारा, रिश्तेदार है, चला जा अंदर आजा। अरे श्यामला, ओ श्यामला सुनती हो? क्या है, आवाज तेज हो रही है। मतलब तुम अंदर ही थी क्या? मुझे लगा शायद तुम सुन नहीं पाओगी। श्यामला, ये मेरा भांजा है। कहां से? अरे जैसा तुम सोच रही हो श्यामला, ये वैसा नहीं है। इतना सा था तो लड़की को छेड़ने के चक्कर में जेल गया था, अब ये इतना बड़ा होके बाहर निकला है, और मुझसे मिलने इतनी दूर से जो आया है। मैं तुमसे मिलने नहीं आया, मैं यहाँ श्रुति को ढूंढने के लिए आया। अरे भांजी, हमारा वाइजाग में गूगल से भी बड़ा नेटवर्क है, किसी को भी पकड़ लेंगे। हाँ कौन है वो बताओ? अरे बाप रे, उस जमाने की फोटो नहीं चाहिए, इस जमाने की फोटो चाहिए। इस फोटो के जरिए गूगल में भी ढूंढोगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस लड़की को भूल जाओ भांजे। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब उसे भी सीता का एड्रेस नहीं पता था, फिर भी सीता उसे मिली ना। श्रुति को तो मैं ढूंढ के रहूंगा। नमस्ते आंटी। श्रुति? हाँ। आओ ना, आओ बेटी। शांता कॉफी लेकर आओ, आओ बेटी बैठो, तुम भी बैठो ना बेटा। अंकल पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। क्यों बेटी, आज बहुत जल्दी ट्रेन आ गई? बैठो बैठो बैठो। तुम्हारे पापा ने फोन करके सब बताया,
इतने दिनों की हमारी दोस्ती में तुम्हारे पिताजी ने पहली बार मुझसे मदद मांगी है। तुम्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। थैंक यू अंकल। अच्छा ये लड़का कौन है? ये मेरा फ्रेंड है। और तुम्हारा लगेज कहाँ है? नहीं है अंकल, बीच रास्ते में छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम? जरा आप रुकिए तो, पहले कॉफी तो पीने दीजिए इसे। ये लो बेटी। थैंक यू। ये लो। क्या हुआ बेटी? खिलौना है बेटा। आओ, आओ, आओ बैठो। ये मेरा बेटा है पवन। क्या हुआ बेटा? हेलो डैडी। बेटा वैजाग पहुंच गई। मैं अंकल के घर पर ही हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, जरा अंकल को फोन देना। अंकल, डैडी। हाँ बोलो यार। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। देख यार तू लड़की के बारे में टेंशन मत ले, वहाँ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके, यहाँ ना कोई प्रॉब्लम है और ना होगी। रैना, बचपन से उसे माँ का प्यार नहीं मिला है और अब तो मैं भी उसके साथ नहीं हूँ। आपकी बेटी को मैं अपने बेटी जैसे रखूंगी। संभल कर रहना बेटी, मैं बहुत जल्द वहाँ आ जाऊंगा। ओके डैडी। सब कुछ भूल कर तुम बिल्कुल खुश रहो। तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, बाद में हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। शांता जी मालकिन, देखो बेटा इन दोनों को अपना अपना कमरा दिखा। आइए मैम। अगर आपको कुछ जरूरत पड़े तो उस कबर्ड में से ले लीजिएगा। ओके। ए, तेरा होगा पुलिस बैकग्राउंड लेकिन मेरा पोस्टर बैकग्राउंड है। चल, चल, हट। डॉगी। कोई बात नहीं। डॉगी। कोई बात नहीं। डॉगी। ओ डॉगी, लगता है इसे कोई दूसरा काम धंधा नहीं है। तुम उठो, मैं ठीक करता हूँ। चल हट, हट, हट। देखा चला गया। हाँ मामा। भांजे, कॉलेज में, सिनेमा हॉल में, बस स्टॉप पर बड़े बड़े पोस्टर और सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है, अब तो वो मिलेगी ना। कहाँ तक भागेगी मुझसे, जरूर मिलेगी। कल पुलिस स्टेशन में मिल लो। क्यों बेटी, शॉपिंग के लिए गई थी? काफी लेट हो गया, जाकर खाना खाओ। ओके अंकल। एक मिनट रुको। हा? तुम जाओ, मैं आता हूँ। कम, अपना नाम क्या बताया था तुमने? मेरा नाम राणा है अंकल। राणा, राणा। आद्या के डैडी ने फोन करके बोला कि मेरी बेटी आ रही है, मगर तुम? दरअसल वो प्रॉब्लम में थी इसलिए मुझे साथ में आना पड़ा। गुड, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक लड़का एक लड़की के साथ में रहे तो क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके पिता ने उसे मेरे भरोसे पर यहाँ भेजा है और एक फ्रेंड होने के नाते उस भरोसे को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसी बात नहीं है अंकल। राणा, तुम उसे यहाँ ड्रॉप करने आए हो या फिर उसे ट्रैप करने? पुलिस वाला हो ना, ऐसा सोचना पड़ता है। ट्रेन टिकट, अर्जेंट काम है, बोलकर यहाँ से निकल। हैप्पी जर्नी। सॉरी किस लिए? उनकी बात बिल्कुल सही है, तुम्हारे लिए इससे सेफ प्लेस और कहीं नहीं है। अगर कुछ जरूरत हो तो फोन करना, ठीक है ना? बाय। Cheers.
क्या बात है ब्रदर, फ्रस्ट्रेशन में लग रहे हो? प्यार का मामला है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ है। तो फिर अकेले कहाँ जा रहे हो? उस लड़की के घर वालों को मैं पसंद नहीं हूँ। ये कैसा प्यार है तुम्हारा? पसंद नहीं है तो उसे छोड़ दोगे क्या? एक काम करो, उसकी फैमिली को खत्म करके उससे शादी कर लो। फैमिली को मार दूं? 14 साल की उम्र में सभी लड़के पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैं एक लड़की के पीछे पड़ा था। प्रिंसिपल ने एक दिन मुझे थप्पड़ मारा तो मैं उसे ही जान से मारकर जेल चला गया। स्कूल डेज से ही वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो कौन? वसवराज। तुम्हारा नाम? वसवराज, वसवराज पाटिल। अगर तुम्हारी लवर किसी दूसरे से प्यार करती हो तो? जान से मार दूंगा उसे। अगर शादी हो गई हो तो? दोनों को ही मार दूंगा। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसके लिए मारने को तैयार हो, और मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके लिए मरने को तैयार हूँ। हेलो आद्या, मैं राणा बोल रहा हूँ। क्या बात है, तुम हैदराबाद नहीं गए क्या? तुमसे अर्जेंटली बात करनी है। हम जिस रेस्टोरेंट में मिले थे तुम वहीं पर आ जाना। ओके। ऐसे अचानक क्यों बुलाया? तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, आओ। अच्छा तुम क्या लोगी, कॉफी या टी? कॉफी। ओके। टू कैपुचिनो। एक बोल देता हूँ, दोबारा ऐसी गलती की ना तो बहुत मारूंगा तुझे। सर ए, इनसे बात करो ना, बीच में क्यों आ रहा है? अर्जेंट है सर। जा। ए राणा। सर ठीक है सर, क्या बोल रहा था? ओके सर, थैंक यू जी। तुम यहाँ पर? आद्या दिखाई नहीं दे रही है सर, और जो आद्या का पीछा कर रहा है वो यहीं पर है। प्लीज कुछ कीजिए, उसे जल्दी से पकड़ लीजिए सर, वरना कुछ भी हो सकता है। प्लीज सर। तुम अगर ऐसे अचानक आकर रिपोर्ट करोगे तो हम बिना किसी डिटेल के बस अपनी जीप लेकर सारे शहर में घूमते रहेंगे, और तुम दोनों किसी एक पार्क में जाकर हाथ में हाथ डाले एक साथ रोमांस करते रहोगे। मैं तुम्हें कोई बेवकूफ पागल दिखता हूँ? सर ऐसी बात नहीं है। कांस्टेबल, इसे ले जाकर अंदर बंद कर दो। सर, सर, प्लीज, चलो, प्लीज, चलो, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? चलो सर प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ सर। तुमने फोन करके उसे बुलाया है, वो तुम्हारे लिए आई थी, ये मैं जानता हूँ। एक मिनट सर, सर एक बार ये फोटो देखिए। मैं रात को इसी से मिला था, इसके बारे में ही बताने के लिए मैंने आद्या को फोन किया था। इस फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दो, ये जहां कहीं भी हो 24 घंटे के अंदर मेरे पास होना चाहिए। उसके मिलने तक इसे अंदर रखो। जाओ सर। ये या वो देख लेता हूं। We'll be right back.
बाहर निकलो, बाहर निकलो। कर्नाटक से यहाँ क्या करने आए हो? चलो पुलिस स्टेशन चलो। क्यों बे, मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएगा? पुलिस स्टेशन किस लिए? किस लिए ले जाएगा? बोल, किस लिए ले जाएगा मुझे? ए, ये तेरा बेंगलुरु नहीं है, भेजा उड़ा दूंगा। आंटी, आंटी, कुछ नहीं होगा। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया। आंटी मुझे घर ले चलिए। ये तेरा ही घर है। आंटी, तो फिर मुझे किडनैप किसने किया है? तुम्हारे अंकल ने। पर क्यों? अगर हमारी प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा कब्जा करे तो क्या देखते रहेंगे? कैसी प्रॉपर्टी? तुम हो, मेरे बेटे के साथ तुम्हारी शादी करवाना हमारा प्लान है, लेकिन तुम राणा के पीछे पीछे घूम रही हो, इसीलिए राणा को अरेस्ट किया, उसे जेल में डाल दिया और तुम्हें यहाँ पर लाके मैंने बंद करवा दिया। नो, मैं आपके बेटे से कैसे शादी कर सकती हूँ? वो तो पागल है आंटी। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा मेंटल है, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे लिए परफेक्ट है। देखो, तुम्हारे पिता के आने से पहले ये शादी हो जानी चाहिए। मैं नहीं करूंगी। जरूर करोगी, इसीलिए तो तुम्हारे अंकल ने एक वेपन रेडी रखा है, देखोगी? ए, चल बोल। जानती हो ये कौन है? तुम जिसके डर से भागते भागते इतनी दूर आ गई हो, ये वही है। बचपन से ही तुम्हारा पीछा करने वाला वसवाराज। श्रुति वैजाग में है, ये तुम्हें किसने बताया? हिरन कहां पर है? ये शेर को कोई बताता है क्या? मुझे पता चल ही गया कि श्रुति कहां पर है। एक बार और तुमने ये बोला तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। श्रुति मेरी है, श्रुति मेरी है, श्रुति मेरी है। जो बीच में आएगा काट दूंगा उसे। पागल बेवकूफ कहीं का, एक बुलेट काफी है तुम्हारा भेजा उड़ा देने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। भूत आ जाएगा यहाँ पर और तुम्हें पकड़ लेगा। छोटे बच्चों को ऐसा डर दिखाकर खाना खिलाकर सुला देते हैं, वैसे ही तुम्हारा चेहरा उसे दिखाकर उसे डराकर अपने बेटे के साथ उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। इसलिए तो तू अभी तक जिंदा है, समझ गया? भांजे का फोन, वो भी इस टाइम पे फोन कर रहा है, मतलब कोई ना कोई तो लफड़ा रहेगा। नो 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 भांजे नो। राइट नाउ प्लीज ट्राई डेटा। फोन साहब, साहब क्या हुआ? आपका फोन बज रहा है। कौन है? वसवा का फोन है। बैठो बैठो, ठीक है रहने। अरे बोला ना बैठो। ये बसवराज पाटिल तुम्हारे को क्लोज है क्या? नहीं जी। तुम्हारा फ्रेंड है क्या? नहीं जी। तो फिर तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है क्या? नहीं जी। नहीं जी, तो फिर ये फोन जहाँ पे मैंने फेंका था वहीं पे वापस फेंक के जाओ, सो जाओ। फोन नहीं उठा रहा।
फोन उठाओ, फोन उठाओ ब्रो। सर, क्या बात है? इस तरह राग अलापने से अच्छा मेरा जो फोन बज रहा है वो मुझे देकर पुण्य पा लीजिए। हाँ दे दूंगा, तेरा फोन, बिरयानी, जो मांगेगा सब अरेंज कर देता हूँ। सर वो क्या है बे? 100 का नोट सर। वो हमारा कॉलिंग कार्ड है पता है, 500 का है तो बोल। बाप रे, थोड़ी देर पहले उसने 100 दिया तो उसे फोन दे दिया। वो चाइना फोन था, ये आईफोन है बेटा। बाप रे, ठीक है दे दो। अभी जल्दी से बात करके दे देना। हाँ बोलो ब्रदर, मैं जिस श्रुति को ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई है। एसआई विश्वनाथ ने उसे किडनैप करके अपने घर में बांध कर रखा है। विश्वनाथ अपने बेटे की शादी श्रुति के साथ करवाने के सपने देख रहा है। मुझे यहां से छुड़ाने का प्लान करो प्लीज ब्रो, मुझे यहां से छुड़ाओ प्लीज। बच्ची तुम्हारे लिए झींगा फ्राई, झींगा का सालन, मटन बिरयानी, ये सब भेज रहा हूँ, जम के खाना, ठीक है ना बेटा? कोई कमी ना रहे। वो नहीं खाएगी सर, लवर जेल में रहेगा तो कोई बिरयानी खा सकती है क्या सर? बेटी मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्या है बे, क्या बक रहा है तू? है देवदास को अंदर रखा है और पारो को बिरयानी खाने बोल रहे हो तो वो कैसे खाएगी सर? मतलब तू मेरी बेटी से प्यार करता है क्या? आपको क्या बताऊं सर, आपकी बेटी तो सुपर्ब है, सुपर्ब। है? आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, आज तेरी यही समाधि बना दूंगा मैं। क्या समझता तू मेरे को? हाँ, तू मेरी बेटी से प्यार करेगा? हाँ, रुक, रुक, ये ले, है, क्या कर रहा है? सुन, सुन, सुन। ये लीजिए दूध, दूध लीजिए। पागल कहीं का? आंटी, आंटी, प्लीज दरवाजा खोलिए आंटी, प्लीज। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आप जो चाहती हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत भूख लगी आंटी। पेट में आग लगी तो इरादा बदल दिया। आ जाओ बेटी, आ जाओ। आंटी एक और डोसा मिलेगा? अरे आंटी क्यों बोल रही हो, सासू माँ बोलो ना, मुझे तो माँ भी बुला सकती हो। ये लो, मुझे सासू माँ कहकर बुलाओ कि ना। सासू माँ। तुम यहाँ? सासू माँ बोलना है क्या? एक दूंगा। उस दिन मैंने तुम्हारे हाथ का बना डोसा खाया था ना, इसलिए छोड़ रहा हूँ। आद्या चलो आओ। ए श्रुति। जी, वो राणा आकर श्रुति को लेकर चला गया। आद्या, आद्या, क्या हुआ तुम्हें? क्या है वो? ये मेरी बचपन की फोटो है। रेलवे स्टेशन में भी और एयरपोर्ट में भी हमारे लोग हैं सर, वो लोग सिटी से बाहर नहीं जा सकते। वो लोग जहां भी मिले मुझे फोन करके तुरंत बताओ।
इस टाइम हमारा वैजाग छोड़कर जाना सच में बहुत मुश्किल है। ए, ए, ये पकड़ो, ए, ए, उठ, चलो। इसका फोन? अरे तू अभी जिंदा है क्या? उस लड़की के लिए गया था, क्या हुआ? अपने लव के बारे में आदिया को बताया क्या? उसने हुक्के बोला क्या? या वो लड़की तुझे धोखा देके बैंकॉक चली गई? ए, कुछ बोलता क्यों नहीं है? फोन करता और बात नहीं करता है। चलो आओ। फोन बज रहा है, एक मिनट तारा रारा, फोन बज रहा है। अरे बाप रे, राक्षसी राक्षसी राक्षसी। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं ना पूजा कर रहा हूँ श्यामला। फिर घंटी की आवाज क्यों नहीं आ रही? श्यामला, क्या घंटी फिर से बजाऊं? एक बार बजाओ। ओके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्यामला, घंटी की आवाज सुनाई दी ना? हाँ हाँ, अब जरा मिक्सर भी ऑन कीजिए। हाँ लो, अभी ऑन करता हूँ। तुम्हें बीच में छोड़ कर जाना पड़ रहा है, सॉरी। सॉरी किसे कह रहे हैं? अरे भगवान को सॉरी बोल रहा हूँ, पूजा बीच में रोक कर आया हूँ ना, इसीलिए तो। ये डायलॉग मैंने कहीं पर तो सुना है। घंटी, मिक्सर, कॉलिंग बेल। अरे बाप रे, अरे तुम, तुमने तो कहा था आने में 3 घंटे लग जाएंगे, तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं अगर 2-3 घंटे लेट आती तो वो पड़ोस वाली महापतिव्रता पंकजा के साथ बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा। बाप रे, बाप रे, अरे मैं कहाँ जाऊँ? ओवर एक्टिंग बहुत हो गई, खड़े हो जाइए। महापतिव्रता देवी पंकजा, आप मेरे घर में कब आई और क्यों आई बहन? वो क्या है, हमारे घर में वाईफाई नहीं है, इसलिए फेसबुक अपडेट करने के लिए। हमारे घर में भी वाईफाई नहीं है देवी जी। क्यों, सही कहा ना श्यामला? ये क्या है श्यामला? बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा। तेरी दुनिया से होके मजबूर चल। अरे बाप रे, बाप रे, बाप रे, मैंने कुछ किया नहीं तो ये तुम्हारे फोन में कैसे पहुंच गया श्यामला? मैंने डाला सर। भैया। दीदी। भैया। तुम्हारा कोई भाई भी था, ये मुझे आज तक क्यों पता नहीं चला श्यामला? तुम कब आए भैया? अचानक तुम्हारी याद आ गई दीदी, यहाँ आकर देखा तो जीजा जी बोलो तारा रा रा रा, तारा रा 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 रा, बोलो तारा रा 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 कह रहे थे। ये कैसा गाना गाते हैं दीदी? तुमने तो पहले ही कहा था, पर मैंने यकीन नहीं किया था कि ये ऐसे ही हैं। चलो भैया चलते हैं। बाप रे, सब कुछ बता दिया क्या इसने? तुम दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। वैसे ये लड़की कौन है? आ...
लवर है क्या? इसे अपना ही घर समझो, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। जल्दी आना। हाँ। सॉरी, मैं वो सडनली दीदी ने पूछा तो मैं क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुड मॉर्निंग भैया। भैया, मेरी बीवी को तुम बहन बुलाते हो और मुझे भैया कह रहे हो, तो मेरी बीवी मेरी क्या लगेगी? तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? कॉमन सेंस लेस फेलो। जीजा को जलन हो गई। उस दिन तुम्हें अपनी लव स्टोरी बताई थी ना, ये लड़की वही है। कोई तो कनेक्शन है हमारे तुम्हारे बीच में। अरे रे रे रे, बसवा बसवा राज पाटिल, जयराज पाटिल के पोते, कहां चले गए थे बेटा तुम? एसआई विश्वनाथ मुझे किडनैप करने के बाद श्रुति की शादी अपने बेटे से करवाने का प्लान कर रहा था। तो फिर वहां से भागकर कैसे आए तुम? ए वासवाराज, वो श्रुति अगर तुझे नहीं मिली तो पहले तुझे मारूंगा। यही चाहिए मुझे। उसका अंत देखना है तो मुझे तेरे अंदर गुस्सा पैदा करना होगा। ए, अपनी बकवास बंद कर, बता क्या हुआ है? श्रुति भाग चुकी है यहां से। अरे थू है तुझ पर, कैसा पुलिस वाला है तू, एक लड़की को नहीं रोक पाया, कायर कहीं का। हे चुप कर, अभी मेरे अंदर तुझसे 10 गुना ज्यादा गुस्सा है। एक इंस्पेक्टर होने के नाते मुझे रूल्स फॉलो करने होते हैं, मगर एज ए क्रिमिनल तुम्हारे लिए कोई नियम कानून नहीं है। तुझे कैसे भी ढूंढ मुझे नहीं पता, मगर वो तुझसे बचने के लिए भागते भागते तड़प तड़प कर मर जानी चाहिए। जा। फोटो दिखा, फोटो दिखा, दिखा उसका। जा, रुक जा, रुक जा बेटा, इनको कुछ मत करना। चाहे तो तुम उस लड़की से शादी कर लो, लेकिन इन्हें कुछ मत करना। मुझे किडनैप करके श्रुति को तुम लोग अपनी बहू बनाना चाहते थे ना? अब तुम सबको मरना होगा, लेकिन श्रुति को सिर्फ तुम लोग जानते हो, इसलिए तुम लोग जिंदा रहोगे। तो अपने पुलिस पावर का इस्तेमाल कर या फिर अपने क्रिमिनल दिमाग का, मुझे नहीं पता। जब तक श्रुति मुझे नहीं मिलती तब तक ये मेरे पास रहेगा। सीधी तरह चल मेरे साथ। ये लड़की तुम्हें पसंद है क्या? अबे ये क्या, अबे क्या बोल रहा है वो? मेरी बीवी, अरे मेरी बीवी, अरे अब क्या बोल रहा है तू? अरे ठीक से बोलना, बात क्या है? मामा इसका अच्छी तरह ख्याल रखना, जाओ। चलो 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 बेटा अंदर चलो, बीवी ऊपर है, पूजा कर रही है, चलो तुम भी घंटी बजाओ, चलो। Thank you.
पागल ने तुम्हें पहचान लिया। तुम क्या सोच रही थी मैं नहीं पहचान पाऊंगा? श्रुति, I'm sorry, उसके डर की वजह से मैंने अपना नाम बदल दिया, अपना गांव भी बदल दिया, अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दी, फिर भी वो मेरा पीछा करना छोड़ता ही नहीं। मैं जितना उस इंसान से दूर जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना मेरे करीब आता जा रहा है। मैं ही श्रुति हूँ, अगर ये बात उसे पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब इस घर में एक पल के लिए भी रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है राना। कैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द स्विट्जरलैंड भेज दो, मेरे डैडी के पास। वो बसवा राज जिस श्रुति को ढूंढ रहा है वो तो यही है, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, जिसको ढूंढा गली गली वो हमारे घर में ही निकली। हेलो, हाँ बोलो मामा। तेरी बचपन की श्रुति अब कैसी दिखती है वो मुझे पता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है बेटा। जल्दी बोलो मामा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाई, मैं तुझे इतनी जल्दी कैसे बता सकता हूँ। क्या चाहिए मामा, जल्दी मुझे बताओ। अगर मेरी श्रुति मुझे मिल गई तो मेरे पास जो भी है सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो फिर ठीक है, जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम जितनी जल्दी पहुँचोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें श्रुति मिल जाएगी। जल्दी चलो। अरे बाप रे, इतने दिनों तक तुम सबने मिलके जो खेल खेला है अब उसी खेल का बदला मैं लूंगा। मैं अपने भांजे के साथ वही खेल तुम्हारे साथ खेलूंगा। भैया ये ऐसी बातों से नहीं मानेंगे, इन्हें अब मेरी कला दिखानी होगी। कौन सी कला दीदी? मर्म कला। क्या हो गया? क्या हुआ मामा? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थे, अभी क्या हो गया मामा? मामा जल्दी बताओ। मामा, ए मामा जल्दी बताओ ना, बताओ ना मेरी श्रुति कहाँ पर है? जैसे मुझे मारे बता नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर श्रुति पर है, जरा गौर से देखो मेरी तरफ। मामी, मामा को क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, आप तुम ही ने समझाओ ना। ये खुद इन्होंने ही कर लिया है। अरे नौला शर्म नहीं आती मेरे साथ, क्या किया, क्या बोल रहा है? श्रुति कहाँ हो तुम, मुझे मिलती क्यों नहीं, और कितना ढूंढूं तुम्हें, मुझे दिखाई दो। अब दो दिन में तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा, फिर बसवाराज से तुम्हारा पाला नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स मुझसे भी नहीं पड़ेगा। जिंदगी भर के लिए उससे दूर चली जाऊंगी, इस बात की खुशी है मुझे, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें मैं बहुत मिस करूंगी। ये भगवान भी ना, ठीक है आओ। अरे इधर से। एए! क्या बात है ब्रदर? मैंने कहा था ना भैया, इस लड़की के एक रिश्तेदार ने हमें देख लिया है, उसे पीछा छुड़ाने के लिए। ओके ओके, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, कम चलो बैठो। ए,
रुको, फॉलो करो। चलो दोनों अंगूठी बदल लो। ये क्या बात कर रहे हो ब्रदर? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा कहता हूं वैसा करो। प्यार बोला था, मरेगा बोला था या फिर मार दूंगा बोला था, अब अगर कुछ बचा है तो वो है तुम्हारी मौत। जिसे तू ढूंढ रहा था उसका हाथ तुमने उसके हाथ में दे दिया, पागल है तू। मेरे रास्ते में जो भी आया नहीं बचा, अगर इसमें तू आई तो तू भी नहीं बचेगी।
आई लव यू। क्या कहा तुमने? आई लव यू। भगवान आप हो, आप सच में हो।